com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ ऑन 15th of December 2017। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव हाउस पर जीएसटी किस प्रकार लगेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू की है। गवर्नमेंट ने कहा कि सेल ऑफ बिल्डिंग जीएसटी एक्ट के अंदर ना तो सप्लाई ऑफ गुड मानी गई है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी गई है। इसके लिए आप शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 के पैरा 5 को रेफर कर सकते हैं। इसलिए यदि रेडी टू मूव हाउस सेल किया जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन यदि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। आपने यदि सारा पैसा बिल्डर को 1 जुलाई 2017 से पहले पे कर दिया है तो आपको जीएसटी 4. नहीं पे करना है, बल्कि सर्विस टैक्स जो है वो आपको पे करना है, यानी कि 4.5%। यदि आपने पार्ट कंसीडरेशन जीएसटी एक्ट आने के बाद दिया है और पार्ट कंसीडरेशन उसे पहले दे दिया है तो उस केस में जो कंसीडरेशन आपने पहले दिया है या जिसके लिए इनवॉइस बिल्डर ने पहले रेज कर दी है उसके केस में 4.5% सर्विस टैक्स पे करना होगा। और जो कंसीडरेशन आपने 1 जुलाई 2017 के बाद पे किया है या फिर इनवॉइस डेट के बाद रेज हुई है उसके ऊपर आपको 12% जीएसटी पे करना होगा। जीएसटी एक्ट के अंदर जो इफेक्टिव रेट है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के केस में या फिर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उस केस में जहाँ पे कि बिल्डर को इंटरेस्ट इन द लैंड या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन द लैंड ट्रांसफ़र किया जाता है, उस केस में 18% जीएसटी जो लगेगा वो 2/3 अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी पर लगेगा, क्योंकि 1/3 अमाउंट वैल्यू ऑफ द लैंड जो है वो मानी जाएगी। इसलिए जो इफेक्टिव रेट है वो 12% आ जाएगा। लेकिन यदि लैंड कि जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होती या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन द लैंड वो ट्रांसफ़र नहीं होता है तो उस केस में जो इफेक्टिव रेट है वो 18% रहेगा, लेकिन इस केस में पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्डर को मिलेगा। एक्सपोर्ट के केस में आपको GST R1 का टेबल 6 से फाइल करना था। यदि आप नील टेबल या फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पर इनेबल कर दी है। अब आप टेबल 6 से अब GST R1 को नील भी फाइल कर सकते हैं विद अ सिंगल स्टेप। यदि हमने कंप्यूटर बाय किया है उसके ऊपर पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने क्लेम कर लिया है और हम फ्यूचर में कंप्यूटर को सेल करते हैं बिना किसी कंसीडरेशन के या डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस केस में क्या हमें जीएसटी पे करना होगा, यदि हाँ तो इसके लिए वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी। यदि आपने कंप्यूटर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज किया है तो वह कैपिटल गुड्स बन जाएगी, उस केस में आपको टैक्स जो है वो पे करना होगा। यदि आप इस कंप्यूटर को फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ करते हैं जो कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने कंप्यूटर पर लिया था उसको 5% पर क्वार्टर और पार्ट ईयर ऑफ रिड्यूस करना होगा, या फिर जो कंप्यूटर की ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगी उसके ऊपर जो आप टैक्स बनेगा, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हाई होगा उसके इक्विवेलेंट आपको जो टैक्स है वो पे करना होगा जब भी आप इस कंप्यूटर को डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसके लिए आप रूल 44 ऑफ CGST रूल 2017 को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रूल 44 पर हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसको कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफर कर सकते हैं। रूल 44 CGST रूल का यह कहता है कि यदि आपने कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर के आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है उसकी सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार कैलकुलेट करना है। यदि कोई व्यक्ति टैक्सेबल सप्लाई करता है पंजाब और मिजोरम से और उसकी जो टर्नओवर है पंजाब यूनिट की 5 लाख रुपीज़ है और मिजोरम यूनिट की 12 लाख रुपीज़ है तो क्या मिस्टर ए को जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, यदि हाँ तो उसे किस स्टेट में या जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। इसके लिए हमें सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 को रेफर करना होगा जो कि यह कहता है कि हर व्यक्ति को जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है यदि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 20 लाख रुपीज़ और वह टैक्सेबल सप्लाई करता है, और यदि वह टैक्सेबल सप्लाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट से कर रहा है तो उसकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बन जाएगी। यदि उसकी फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर जाती है तो, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, तो इस केस में मिस्टर ए को जीएसटी की रजिस्ट्रेशन पंजाब और मिजोरम दोनों जगह ही लेनी होगी क्योंकि मिजोरम यूनिट की जो टर्नओवर है वो 12 लाख रुपीज़ है और मिजोरम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है तो वहाँ पे जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी 10 लाख रुपीज़ से एक्सीड है इसलिए वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा।
और यदि एक बार कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया तो उसे हर उस स्टेट में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है जहां से कि वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। इसके लिए आप सेक्शन 22 ऑफ सी जीएसटी एक्ट 2017 को रेफर करना होगा, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो क्या उसे वॉलंटरली विड्रॉ कर सकता है? यस, वैसा कर सकता है। इसके लिए आपको रूल 6 सब रूल 3 ऑफ सी जीएसटी रूल 2017 को रेफर करना होगा, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ करना चाहता है तो वह विड्रॉल से पहले जीएसटी सीएमपी 04 फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल पर फाइल करेगा। और जो भी व्यक्ति विड्रॉ करता है जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को, उसे जीएसटी आईटीसी 01 फॉर्म भी फाइल करना है। यह फॉर्म कहता है कि आपको इनपुट जो आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं और जो फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स के केस में इनपुट है, उसकी डिटेल देनी है सरकार को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल। इसके लिए आप रूल 6 ऑफ सी जीएसटी रूल 2017 को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक स्टेट से जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लेता है तो क्या वह कंपोजिशन स्कीम सभी स्टेट से विड्रॉल मानी जाएगी? आंसर है यस। यदि कोई व्यक्ति एक स्टेट से जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लेता है तो यह डीम्ड माना जाएगा कि उसने दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लिया है, यदि उसका परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है। इसके लिए आप रूल 6 सब रूल 7 ऑफ जीएसटी रूल 2017 को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि किसी मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो क्या वह जॉब वर्क कर सकता है? आंसर है कि जॉब वर्क को सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो वह जॉब वर्क नहीं कर सकता है। इसके लिए आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लोज ए को रेफर कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को यदि कोई व्यक्ति ऑप्ट करता है तो वह सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट दैट सप्लाई दैट हैज़ बीन मैंशन इन शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6 क्लोज बी। सेक्शन 10 का लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो वह टैक्स पेमेंट किस प्रकार करेगा? जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है यदि कोई व्यक्ति, तो उसे क्वार्टर के एंड होने के बाद 18 डेज के अंदर जीएसटी की पेमेंट करनी है। जीएसटी की पेमेंट करने के लिए कंपोजिशन स्कीम डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेल नहीं कर सकता है, इसलिए सभी पेमेंट उसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू करनी होगी। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश किसी भी टाइम जमा करा सकता है। वह यह कैश थ्रू ई पेमेंट करा सकता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ओवर द काउंटर, RTGS, NEFT एक्स्ट्रा। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपीज़ ITC पड़ा हुआ है VAT रिटर्न के अंदर, वह GST एक्ट के अंदर आता है और GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो क्या वह ITC को GST के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो वह जो ITC उसका प्री GST है, यानी कि GST से पहले का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो GST एक्ट के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। क्या GST एक्ट के अंदर हर केस में इनवॉइस इशू करनी जरूरी है, इवन इफ के ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है? एक रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास ऑप्शन होती है कि यदि उसकी सप्लाई की वैल्यू 200 रुपीज़ से कम है और रिसिपियंट जो है, यानी कि जिसे वह सप्लाई कर रहा है, वह GST एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और रिसिपियंट टैक्स इनवॉइस नहीं मांग रहा है, तो उस केस में वह टैक्स इनवॉइस नहीं भी इशू कर सकता। लेकिन यदि रिसिपियंट, यानी कि जिसे रजिस्टर्ड व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, वह टैक्स इनवॉइस मांग रहा है, तो उस केस में उसे इनवॉइस इशू करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति GST के अंदर रजिस्टर्ड है और टैक्स इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 200 रुपीज़ से कम है और टैक्स इनवॉइस वो हर केस में इशू नहीं कर रहा है, तो डे के एंड होने के बाद एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकता है। इसके लिए आप सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लोज बी ऑफ CGST एक्ट एंड प्रोविजो टू रूल 46 ऑफ CGST रूल 2017 को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, जीएसटी रेडी रखनर, जीएसटी टैरिफ, जीएसटी रेट रखनर एंड जीएसटी मैनुअल, ये सभी बुक्स नवंबर 2017 के अंदर इशू की गई हैं। और इनके अंदर जो नोटिफिकेशन 17th of November 2017 को इशू किए गए हैं, वह भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इन बुक्स का लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या हैं, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज TaxHeal.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पर क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR1, GSTR2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन वे की गई है। इसके अलावा जो दूसरे GST रिटर्न्स के फॉर्म हैं, जैसे कि GSTR4 और TRAN1, उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफ़र करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको TaxHeal.com पर जाना है, अपने ब्राउज़र में TaxHeal.com टाइप करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी GST अपडेट की टैब, इसमें सबसे ऊपर है GST रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुक मार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप जैसे GSTR3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है, और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज अ जो है बुक मार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है GST एक्ट, SGST एक्ट, GST काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, CGST नोटिफिकेशन, CGST टैक्स रेट नोटिफिकेशन, IGST नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमिजिएटली रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप CGST, UTGST, IGST या फिर SGST एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजीली सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप TaxHeal.com की GST टैब, अपडेट टैब पर क्लिक करें। वहाँ पे आप किसी भी जो सेक्शन है CGST का या UTGST का या SGST एक्ट का, उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको TaxHeal.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, TaxHeal.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो GST अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे GST एक्ट और SGST एक्ट दिए गए हैं, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो GST एक्ट है वह भी दिया गया है। जैसे GST एक्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल GST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट वगैरह दिए गए हैं। जैसे आप CGST एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलेवेंट सेक्शंस है वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप CGST एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे Chapter 1 प्रीलिमिनरी, यहाँ पे Section 1, Section 2 दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप Section 9 को रेफर करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं Section 9 पर तो जो Section 9 है वह ओपन हो जाएगा।
सेक्शन 9 का प्रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर जैसे कि सेक्शन 15 दिया गया है, तो जैसे आप सेक्शन 15 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन का लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं। आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर कर रेफर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक कर कर रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप जीएसटी एक्ट है वह इजीली यहां पर रेफर कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो जीएसटी न्यूज़ हैं या टिप्स हैं वे मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुने ताकि आप जो जीएसटी की इंटरेस्ट पेनल्टी और नॉन कम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सहील की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxhill.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।